1947 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, मेरा देश विकसित भारत बन के रहेगा। जय हिंद, स्वागत है आपका खबरों के अड्डा में और मैं आपके साथ अंजू गुप्ता। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर 10वीं बार झंडा फहराया। इसके बाद अपने संबोधन में देशवासियों को बधाई भी दी। प्रधानमंत्री ने मणिपुर हिंसा रिफॉर्म्स पर बात की, साथ ही अपनी सरकार के काम का 10 साल का हिसाब भी दिया। उन्होंने राजनीति से 3 बुराइयों परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण से मुक्ति की अपील भी की। प्रधानमंत्री ने लोगों से आशीर्वाद मांगते हुए कहा, 2047 में देश जब स्वतंत्रता के 100 साल का जश्न मनाए तो हमारे देश का तिरंगा दुनिया में विकसित देश की पहचान के साथ लहराए। इसके लिए आने वाले 5 साल को उन्होंने महत्वपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री ने लोगों से आशीर्वाद मांगते हुए कहा, 2047 में देश जब स्वतंत्रता के 100 साल जश्न मनाए तो हमारा देश का तिरंगा दुनिया में विकसित देश की पहचान के साथ लहराए। इसके लिए आने वाले 5 साल को उन्होंने महत्वपूर्ण बताया और दावा किया कि लाल किले पर 2024 में वो ही तिरंगा फहराएंगे। अब प्रधानमंत्री के 2024 में तिरंगा फहराने की बात ने देश की सियासत को हवा दे दी है, जिसके बाद विपक्ष और इंडिया गठबंधन से तरह तरह की बयानबाजी सामने आई है। रत्ती भर भी हमें रुकना नहीं है, पीछे नहीं हटना है और इसके लिए सुचिता, पारदर्शिता और निष्पक्षता, ये पहली मजबूती की जरूरत है। हमें उस मजबूती को जितना ज्यादा खाद पानी दे सकते हैं, संस्थाओं के माध्यम दे सकते हैं, नागरिक के नाते दे सकते हैं, परिवार के नाते दे सकते हैं, ये हमारा सामूहिक दायित्व होना चाहिए। और इसलिए पिछले 75 साल का इतिहास देखिए, भारत के सामर्थ्य में कोई कमी नहीं थी। अरे जो देश कभी सोना की चिड़िया कहा जाता था, वो देश क्यों न फिर से उस सामर्थ्य को लेकर के खड़ा हो सकता है। मेरा अटूट विश्वास है साथियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, मेरा अखंड अटूट एक निष्ठ विश्वास है कि 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, मेरा देश विकसित भारत बन के रहेगा। अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगले साल एक बार फिर आप राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे, लेकिन अपने घर पर ही फहराएंगे। तो अगले साल फिर झंडा फैलाएंगे, अपने घर के ऊपर फैलाएंगे। तो वही भाजपा में पीएम मोदी के वंशवाद की राजनीति की आलोचना करने पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि अगर किसी नेता या प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय दिवस और राजनीतिक कार्यक्रम के बीच अंतर नहीं पता तो ये बहुत दुख की बात है। ये जानता कि राष्ट्र पर क्या होता है, एक राजनीतिक कार्यक्रम क्या होता है, एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि उन्होंने भ्रष्टाचार, वंशवाद के बारे में बात की, लेकिन वंशवाद तो हर पार्टी में है। मुझे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संसद में दिया गया बयान याद है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आप किसी तरफ एक उंगली करते हैं तो बाकी 3 उंगलियां आपकी तरफ इशारा करती है। मणिपुर को प्यार, देखभाल, करुणा और सहानुभूति की जरूरत है। नहीं, उन्होंने करप्शन पे भी आरोप किए, परिवार के बारे में आरोप किए। परिवारवाद तो हर पार्टी में है। मुझे अमित शाह जी के एक पंक्तियां पार्लियामेंट की याद आती है। अमित शाह जी, उन्होंने कहा कि अगर एक उंगली, ये अमित शाह जी का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है, रिकॉर्ड से ठीक रखिए। अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड ऐसे कहा था कि जब भी आप कुछ कहते हो लाइफ में
अब अगर एक उंगली आपकी तरफ जाती हो तो तीन उंगलियां अपनी तरफ होती है। ये माननीय अमित शाह जी का जो स्टेटमेंट है वो मुझे याद आता है। सही गलत नहीं, एनी वायलेंस, एक भी घटना हो तो वो गलत ही है। और मणिपुर नीड्स लव, केयर एंड कंपैशन एंड एम्पैथी, ये करना जरूरी है। तो वहीं कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि 2024 के चुनाव में देश की जनता तय करेगी कि कौन वापस आ रहा है और कौन नहीं। हमें कम से कम 2024 तक का इंतजार करना चाहिए। 2024 इलेक्शन में पीपल ऑफ इंडिया हैज टू डिसाइड हु इज कमिंग बैक और हु इज नॉट कमिंग बैक। लेट अस वेट फॉर 2024 एटलीस्ट। बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, आज के दिन उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दी है। लेकिन आज के दिन भी प्रधानमंत्री अपने भाषण में राजनीति को लेकर आए हैं। लोगों को उम्मीद थी कि वो स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, किसानों की आय दोगुनी करने जैसे मुद्दों पर बोलेंगे। कोई सत्ता में आए या जाए, कोई भी स्थायी नहीं होता। लोग ये देख रहे हैं कि लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, महंगाई और बेरोजगारी पर काम नहीं हो रहा है। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने दरभंगा एम्स को लेकर झूठ कहा था। देखिए, आज हमने प्रधानमंत्री जी की भाषण को सुना, वो वही राजनीति आज के दिन भी उन्होंने लाने का काम किया अपने वक्तव्य में, अपने भाषण में, जो कि शोभा नहीं देता। देश के लोगों को ज़्यादातर उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी स्टार्टअप इंडिया के बारे में बोले, मेक इन इंडिया के बारे में बोले, जो किसानों का आय दुगुना करना था उसके बारे में बोले, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देने की बात थी उसके बारे में बोले, 15 लाख का क्या हुआ। और हमने सुना कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़ेंगे, तो एक तरफ जो है एक दिन पहले वो अजीत पवार को भ्रष्टाचारी बोलते थे और दूसरी तरफ उनको गले लगाने का काम कर रहे हैं, तो ये कौन सा लड़ाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ? तो वही है, तो सब लोग देश की जनता देख रही है। लेकिन आज के दिन कम से कम राजनीति प्रधानमंत्री जी को नहीं करनी चाहिए। और कुछ दिन पहले ही तो प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला था दरभंगा एम्स को लेकर के, खुल गया है। तो ऐसी बातें, नकारात्मक राजनीति जो है आज के दिन प्रधानमंत्री जी ने की, ये और जिस प्रकार से मैं ही मैं हैं और कोई है ही नहीं, अपने आगे किसी को समझ ही नहीं रहे, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। जानकारी के लिए बता दें कि देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपना 10वां भाषण दिया। इस साल प्रधानमंत्री ने करीब 90 मिनट तक देशवासियों को संबोधित किया। लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भाषण देने के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के तमाम प्रधानमंत्रियों से आगे निकल चुके हैं। पिछले 10 भाषणों की तुलना करें तो औसतन प्रधानमंत्री मोदी 82 मिनट बोलते हैं, जो किसी भी पिछले प्रधानमंत्रियों से काफी ज्यादा है। आपको ये वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।